धम्म पद भगवान बुद्ध के वचनों का अनूठा संग्रह। धम्म पद इसे मानवता की दिग्दर्शिका, गाइड टू द ह्यूमैनिटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का अंग है। इसमें 26 वग अर्थात वर्ग अथवा अध्याय हैं, जिनमें कुल 423 गाथाएं हैं। गाथा का शाब्दिक अर्थ होता है गेय पद, अर्थात वे पद जिनका संगायन किया जा सके। धम्म पद की प्रत्येक गाथा गेय है। यह दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसका विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ है। यह है तो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह, है तो एक बौद्ध ग्रंथ, लेकिन वास्तव में यह मानवता की निधि है, दुनिया की धरोहर है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का कहना है, पाली ग्रंथ धम्म पद मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। निश्चित रूप से ये पद्यों का अत्यधिक रोचक संग्रह है जो बौद्ध विचारों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। धम्म पद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान अल्बर्ट जे एडमंड कहते हैं, यदि एशिया खंड में किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है तो वह यही है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है, बौद्ध धर्म का यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाओं तथा बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याओं का अनुपम संग्रह यदि एक स्थान पर देखना हो तो वह धम्म पद में ही देखने को मिलेगा। धम्म जगत के सुविख्यात आचार्य डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन कहते हैं, और केवल एक पुस्तक को जीवन भर साथ बनाने की यदि कभी आपकी इच्छा हुई तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्म पद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलना कठिन है। दुनिया के विद्वान इस ग्रंथ का गुणगान करते हैं। बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि बौद्ध देशों में आज भी धम्म पद के अखंड पाठ की परंपरा जीवित है। श्रीलंका में धम्म पद के पारायण के बिना भिक्खु की उपसंपदा नहीं होती। कई बौद्ध देशों में भिक्खु संघ को संपूर्ण धम्म पद कंठस्थ कराया जाता है। आज भी धम्म पद की 423 गाथाएं 26 वग में संकलित हैं। ये गाथाएं न केवल धम्म का सार हैं, बल्कि धम्म की दृष्टि से कई शब्दों को भी उनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराती हैं, जैसे ब्राह्मण, पंडित, आर्य इत्यादि। भगवान बुद्ध की देशनाओं के अनुसार ये गुणवाचक संज्ञाएं हैं, न कि जातिवाचक अथवा नस्लवादी उपमाएं। राजेश चंद्रा और भास्कर साल्वे कमलवीर की जुगलबंदी में प्रस्तुत है संपूर्ण धम्म पद का सस्वर सानुवाद संगायन। इस संगायन को कल्याण थाट के राग यमन और भूपाली में स्वर दिया है भास्कर साल्वे कमलवीर और अनुवाद को स्वर दिया है राजेश चंद्रा ने। इस संगायन को सुनना भी पुण्यकारक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मपद
यमक वग्गो मनो पुबंगमाधम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं ववहतो पदं। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं उपनयन्ति वेरंते संन सम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं न उपनयन्ति वेरंते सुपसम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें नहीं सोचते उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरे न च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एस धम्मो सनंतनो, यही सनातन धर्म है। परे चन विजानन्ति मयमेथ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों की कलह शांत हो जाती है। सुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंतं भोजनं हि अमत्तयुं कुसीतं हीनवीर्यं तंगवे पसहति मारो वातो रुखं व दुबलं। जो शुभ शुभ को ही देखते हुए विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंतं भोजनं हि च मत्तयुं सद्धं आरद्धवीर्यं तंग्वे न पसहति मारो वातो सेलं व पब्बतं। जो अशुभ को देखते हुए विहार करते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान
और उद्योगी है, उसे मार वैसे ही हिला नहीं सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सती अपेतो दमसच्चेन नसो कासाव मरहति। जो मन को निर्मल किए बिना काशाय वस्त्रों को धारण करता है, सत्य और इंद्रिय दमन से रहित वो व्यक्ति काशाय वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यो चवंतक सावस सीलेसु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासाव मरहति। जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वो व्यक्ति ही काशाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त नहीं करते। सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार को सार और असार को असार समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं। यथागारं दुच्छन्नं उठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। यदि घर की छत में छेद हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी आ जाता है, ऐसे ही संयम रहित चित्त में राग प्रविष्ट हो जाता है। यथागारं सुच्छन्नं उठीन समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। यदि घर की छत छेद रहित हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी नहीं आ पाता, उसी प्रकार संयमित चित्त में राग प्रविष्ट नहीं होता। इध सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहयति दिस्वा कम्म किलिठ मत्तनो। पापी मनुष्य उभय लोक में शोक करता है, यहाँ भी और वहाँ भी, अपने दूषित कर्मों को देखकर शोक करता है, फल पाकर और भी पीड़ित होता है। इधमोदति पेच्चमोदति कतपुयो उभयत्थमोदति सोमोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। पुण्यकर्मी उभय लोक में मुदित होता है, यहाँ भी और वहाँ भी, विशुद्ध कर्मों को करते समय मुदित होता है, उसके फल पाकर और भी मुदित होता है। इध तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति पापं मे कतंति तप्पति भीयो तप्पति दुग्गतिंगतो। यहाँ भी संतप्त होता है, वहाँ भी संतप्त होता है, पाप कर्मी उभय लोकों में संतप्त होता है, मैंने पाप किया है ये सोच कर संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। इधनंदति पेचनंदति कतपुयो उभयत्थनंदति पुयं मे कतंति नंदति भीयो नंदति सुगतिंगतो। यहाँ भी आनंदित होता है, वहाँ भी आनंदित होता है, पुण्यकर्ता उभय लोक में आनंदित होता है, मैंने पुण्य कर्म किए हैं ये सोचकर आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। बहुं पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो
गोपो व गावो गणयं परेशं न भागवासामयस्स होति। धम्म संहिताओं का कितना ही पाठ करे लेकिन यदि प्रमादवश उसके अनुसार आचरण न करे तो बस गाय गिनने वाले गोपालक की तरह वो श्रवणत्व का भागीदार नहीं होता। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी, रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुत्त चित्तो अनुपादियानो इधवाहुरं वा सभागवा सामयस्स होति। धम्म संहिताओं का चाहे थोड़ा ही पाठ करे लेकिन जो राग द्वेष मोह रहित व्यक्ति धम्म अनुसार आचरण करता है ऐसा बुद्धिमान अनासक्त उभय लोकों के भोगों की ओर न भागने वाला धम्मचारी ही श्रवणत्व का भागीदार होता है। अपमाद वग्गो। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमियन्ति ये पमत्ता यथामता। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मरे हुए के ही समान है। एतं विशेषतो यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे पमोदन्ति अर्यानं गोचरेरता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान, आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ते झाइनो साततिका निचं दढ़ परक्कमा फुसंति धीरा निबानं योगक्षेमं अनुत्तरं। ध्यान करने वाले जागरूक नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले वीर जन अनुत्तर योग क्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो संयतस्स च धम्मजीविनो अपमत्तस्स यशो भिवंडति। उद्योगी जागरूक पवित्र कर्म करने वाले सोच समझकर काम करने वाले संयमी धम्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथमेधावी यं ओघो नाभिकीरति। मेधावी मनुष्य उद्योग अप्रमाद संयम और दम द्वारा ऐसा दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो न सके। पमाद मनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेठं वरक्षति। मूर्ख दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं, मेधावी पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवं अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। पमादं अपमादेन यदानुदति पंडितो पय्या पासाद मारुह्य अशोको सोकिनिं पजं पब्बतट्ठो व भूमट्ठे धीरो बाले अवेखति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ
वो शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोक ग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर देखता है। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंवसीघसो हित्वायाति सुमेधसो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अपमादेन मघवा देवानं सेठतंगतो अपमादं पसंसंति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनं अणुं थूलं डहं अग्गीव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्खु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ चलता है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अबभो परिहानाय निब्बानस्येव संतिके। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, वो निर्वाण के समीप ही है। चित्तवग्गो फंदनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। वारिजो वथलेखितो ओकमूकत उभतो परिफंदतिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जलाशय से निकाल कर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है वैसे ही चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। दुन्निगहस्स लहुनो यत्थ काम निपातिनो चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावहं। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है साधु। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातिनं चित्तं रखेय मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत निपुण जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। दूरंगमं एकचरं असरिरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे संति मोक्षन्ति मार बंधना। जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुही आशय चित्त का संयम करेंगे वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। अनवट्ठित चित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो परिप्लव पसादस्स पय्यान परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धम्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वो कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। अनवस्सुत चित्तस्स अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहीनस्स नत्थि जागरतो भयं। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं है।
कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेत मारं पञ्यायुधेन जितं च रखे अनिवेशनोसिया। काया को मिट्टी की तरह नश्वर जान और चित्त को नगर की तरह सुरक्षित जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अचिरं वतयं कायो पठवीं अधिशेषती शुद्धो अपेत वियाणो निरथं व कलिंगरं। अहो, ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काट की भांति भूमि पर जा पड़ेगा। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरी वापन वेरिनं मिच्छा पहिनितं चित्तं पापयोनं ततो करे। शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। नतं माता पिता कैरा अये वापी च यातका सम्मापणिहितं चित्तं सेयसोनं ततो करे। न माता न पिता न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। पुप्फवग्गो कोइमं पठवी विजेसति यमलोकं च इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा? कौन चतुर पुरुष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा? सेखो पठवी विजेसति यमलोकं च इमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। साक्ष ही है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा। चतुर साक्ष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरिचि धम्मं अभिसंबुधानो क्षेत्वान मारस्स पपुप्फकानि अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे। इस काया को फेन के समान या मरु मरीचिका के समान जान, मार के फंदे को तोड़, यमराज के लिए अदर्शनीय बन जाओ। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महोगो मच्चु आदाय गच्छति। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं अतीतं एव कामेषु अंतको कुरुते वसं। राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को यमराज काम भोगों में अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। यथापि भमरो पुप्फं वर्ण गंधं अहेठयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनीचरे। जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुंचाए भौरा रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गांव में विचरण करे। न परे संग विलोमानि न परे संग कताकतं अत्तनो अवेखेय कतानि अकतानि च। न दूसरों के दोष न दूसरों के कृत अकृत को देखे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही कृत अकृत को देखे। यथापि रुचिरं पुप्फं वर्णवन्तं अगंधकं
एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त किंतु गंध रहित पुष्प होता है, उसी प्रकार कथना अनुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथा पिरुचिरं पुफं वर्णवंतं सुगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति सकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथना अनुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। यथा पुफरा सिंहा कैरा माला गुणे बहु एवं जातेन मच्चेन कत्तबं कुसलं बहु। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणी को चाहिए कि वो बहुत से शुभ कर्मों का संचय करे। न पुफगंधो पटिवातमेति न चंदरं तगर मल्लिकावा सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बादिसा सप्पुरिसोपवाति। न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। चंदनं तगरं वापि उपलं अथवस्सिकि एते स गंध जातानं सील गंधो अनुत्तरो। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी सुगंधियों से शील की सुगंध बढ़कर है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी योच सीलवतं गंधो याति देवेसु उत्तमो। ये जो तगर और चंदन की गंध है अल्पमात्र है, शीलवानों की उत्तम सुगंध देवताओं तक फैलती है। ते संग संपन्न शीलानं अपमाद विहारिनं सम्मदैया विमुत्तानं मारो मग्गं न विंदति। उन शील संपन्नों, निरालस विचरने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार रोक नहीं पाता। यथा संकार धानस्मिं उज्जितस्मिं महापथे पदुमं तथ जायेत सुचिगंधं मनोरमं। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार महापथ पर फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा हो, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञजनों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। बालवग्गो। दीघा जागरतो रत्ति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है, उसी प्रकार सद्धम्म को ना जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। चरं च नाधिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचरयं दलहं कैरा नत्थि बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसे साथी को ना पाए, आदमी को चाहिए दृढ़ता पूर्वक अकेला ही विचरण करे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। पुत्तंगत्थि धनमत्थि इति बालो विहयति अत्ताहि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, ऐसा सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन।
यो बालो मय्यति बाल्यं पंडितो वापि तेनसो बालो च पंडितमानि सवे बालोति उच्यति। यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान ही है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसंयथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगत में रहे वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तमपि च वियुं पंडितं पैरुपासति खिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सुपरसंयथा। बुद्धिमान आदमी चाहे मुहूर्त भर भी पंडितों की संगत में रहे वो सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को जान जाती है। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्ते नेव अत्तना करुन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्स अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे कर के पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्स पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। काम करना वो अच्छा है जिसके पीछे करके पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित होकर भोगना पड़े। मधुवा मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। मासे मासे कुसग्गेन बालो भुंजेत भोजनं नसो संखत धम्मानं कलं अग्धति सोलसिं। यदि मूर्ख आदमी महीने महीने भर केवल कुश की नोक से भी भोजन करे तो भी वो धम्म के जानकारों के सोलवें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं व मुच्यति दहंतं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो पावको। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वो भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। याव देव अनत्थाय यत्त बालस्स जायति हन्ति बालस्स सुक्कसं मुद्धमस्सं विपातयं। मूर्ख आदमी का जितना ज्ञान है वो सब उसके लिए ही अनर्थकारी होता है, उसकी मूर्धा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। असतं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्खुसु आवासेषु च इस्सरियं पूजं परकुलेषु च ममेव कतमयन्तु गिही पब्बजिता उभो ममेवातिवसा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्स संकप्पो इच्छा मानो च वड्ढति। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहें ऐसा चाहता है, इस प्रकार के संकल्प करने वाले
मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता है। अय्या हि लाभ पनिसा अय्या निब्बान गामिनी एवमेतं अभियाय भिक्खु बुद्धस्स सावको सक्कारं नाभिनंदेय विवेकं अनुब्रुहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा, इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्खु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक की वृद्धि करे। पंडित वग्गो। निधीनं वपवत्तारं यं पश्ये वज्जदस्सिनं निग्गयवादी मेधावी तादिसं पंडितं भजे तादिसं भजमानस सेयो होती न पापियो। जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे हुए धन दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। ओव देयानुशासेय असभ्याच निवारे सतं हि सोपियो होति असतं होति अप्यो। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वो सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत पुरुषों को अप्रिय। न भजे पाप के मित्ते न भजे पुरी साधमे भजे त मित्ते कल्याणे भजे त पुरी सुत्तमे। न दुष्ट मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। धम्म पीति सुखं सेति विपसन्नेन चेतसा अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला प्रसन्नचित हो सुखपूर्वक सोता है। पंडित जन सदा आर्यों के बताए धम्म में रमण करते हैं। उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका हत्तानं दमयन्ति पंडिता। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी को नवाते हैं और पंडित जन अपना दमन करते हैं। सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजन्ति पंडिता। जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते। यथा पिरहदो गंभीरो विपसन्नो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वानं विपसीदन्ति पंडिता। पंडित जन धम्म को सुनकर अथाह स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्नचित्त होते हैं। सबत्थते सपुरिसा चजन्ति न काम कामान लपयन्ति संतो सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दस्यन्ति। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वो काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते, उन्हें चाहे दुख हो चाहे सुख, पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। न अत्त हेतु न परस हेतु न पुत्तमिच्छेन धनं न रट्ठं न इच्छेय अधम्मेन समिद्धिमत्तनो न सीलवा पय्यवा धम्मिको सिवा। अधर्म से न अपने लिए पुत्र धन या राष्ट्र की इच्छा करे, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही शीलवान प्रज्ञावान और धार्मिक है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरापजा तीरमेवानुधावती। जो पार पहुँचे हुए हैं वो तो मनुष्यों में थोड़े ही हैं, बाकी आदमी तो किनारे पर दौड़ते रहते हैं। ए चखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो
ते जना पारमेसंति मच्चुधेयं सुदुत्तरं। जो भली भांति स्पष्ट किए गए धम्म के अनुसार आचरण करते हैं वही मृत्यु दुस्तर संसार को पार करेंगे। कन्नं धम्मं विपहाय सुकं भावेथ पंडितो ओका अनोकं आगम विवेके यत्थ दूरमं तत्राभिरतिमिच्छेय हित्वा कामे अकिंचनो परियोदपेय अत्तानं चित्तक्लेशे हि पंडितो। पाप कर्म को छोड़कर पंडित जन शुभ कर्म करें, घर से बेघर हो जा एकांत में वास करें, काम भोगों को छोड़कर सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करें, पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करें। एसं संबोधि अंगेसु सम्मा चित्तं सुभावितं आदान पटिनिस्सगे अनुपादाये रता खीणा सवा ज्यूतिमंतो ते लोके परिनिब्बुता। जिनका चित्त संबोधि अंगों में भली भांति अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत हैं, चित्त मैल से रहित ऐसे द्युतिमान ही लोक में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अरहंत वग्गो। गतद्धिनो विशोकस्स विपमुत्तस्स सब्बधी सब्बगंधपहीनस्स परिराहो न विज्जति। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां छीड़ हो गई हैं, उनके लिए परिताप नहीं। उयुंजन्ति सतीमंतो न निकेते रमन्ति ते हंसाव पल्ललंहित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वो घर को छोड़कर चले जाते हैं। एसं सन्निचयो नत्थि ये परियात भोजना सुयतो अनिमित्तो च विमोखो ये सगोचरो आकाशेव सकुंतानं गतिते सं दुरन्नया। जो संचय नहीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सा सवा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितो सुयतो अनिमित्तो च विमोखो यस्स गोचरो आकाशेव सकुंतानं पदं तस्स दुरन्नयं। जिनके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सिन्द्रियानि समथंगतानि अस्सा यथा सारधिना सुदंता पहीनमानस्स अनासवस्स देवापितस्स पिहयतीतादिनो। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़ों की तरह, जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी इस प्रहा करते हैं। पठवी समोन विरुज्झति इंदखीलूपमो तादी सुब्बतो रहदो अपेत कद्दमो संसारान भवन्ति तादिनो। इंद्रकील के समान अचल व्रतधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी, उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार का मल प्रवेश नहीं करता जैसे कर्दम रही सरोवर में। संतं तस्स मनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदया विमुत्तस्स उपसंतस्स तादिनो। उपशांत ज्ञान द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए
उस स्थिर चित्त पुरुष का मन शांत होता है, वाणी शांत होती है। असद्धो अकतयुच संधिच्छेदो चयो नरो हतावकासो वंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है, जिसने बंधनों को काट दिया है, जिसके पुनर्भव की गुंजाइश नहीं, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गामे वा यदि वा रये निन्ने वा यदि वा थले यत्थारहंतो विहरन्ति तं भूमिं रामणेयकं। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा टीला, जहाँ अरहत रमण करते हैं वही भूमि रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्थन रमति जनो वीतरागारमिस्संति नते काम गवेसिनो। रमणीय वन जहाँ लोग रमण नहीं करते, वहाँ वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वो काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। सहस्वगो सहस्मपिचे वाचा अनथ पद संहिता एकं अथ पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। सहस्मपिचे गाथा अनथ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। योच गाथा सतं भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उससे एक धम्म पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकं त्यजेय मत्तानं सवे संग्रामजुत्तमो। एक व्यक्ति संग्राम में लाखों आदमियों को जीत ले और एक दूसरा अपने को जीत ले, ये दूसरा अपने को जीतने वाला ही सच्चा संग्राम विजयी है। अत्ता हवे जितं सेयो या चायं इतरा पजा अत्तदंतस्स पोषस्स निच्चं संयतचारिनो नेव देवो न गंधर्वो न मारो सह ब्रह्मणा जितं अपजितं कैरा तथा रूपस्स जंतुनो। दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना ही श्रेष्ठ है। जिस आदमी ने अपने को दमन कर लिया, जो अपने को नित्य संयम में रखता है, उस आदमी की जीत को न देवता न गंधर्व न ब्रह्मा सहित मार ही पराजय में परिणत कर सकते हैं। मासे मासे सहस्येन यो यजेथ सतं समं एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सायेव पूजना सेयो यंते वस्स सतं हुतं। एक व्यक्ति जो सहस्र दक्षिणा दे, महीने महीने 100 वर्षों तक यज्ञ करे, और दूसरा किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के हवन से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यो च वस्स सतं जंतु अग्निं परिचरे वने एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सायेव पूजनासेयो यं चेवस्स सतं हुतं। एक आदमी 100 वर्षों तक वन में अग्नि की परिचर्या करे,
और दूसरा आदमी किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे। 100 वर्ष के यज्ञ से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यं किंची इट्ठं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेथ पुञ्यपेक्षो सब्बं पितं चतुभागमेति अभिवादना उज्जुगते सुसेयो। पूर्ण की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ और हवन करे वो सब सरल चित्त पुरुष को किए गए अभिवादन के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं होता। सरल चित्त पुरुषों को किया गया अभिवादन ही श्रेष्ठ है। अभिवादन शीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वंढन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो वृद्धों के प्रति अभिवादनशील है, उनकी सेवा करता है, उसकी आयु वर्ण सुख तथा बल में वृद्धि होती है। यो च वससतं जीवे दुस्सिलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो सीलवंतस्स जायिनो। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे दुःपयो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पय्यावन्तस्स जायिनो। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे कुसीतो हीनवीर्यो एकाहं जीवितं सेयो वीर्यमारभतो दृढं। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे अपस्सं उदयभयं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो उदयं भयं। उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो अमतं पदं। अमृत पद निर्वाण को ना देखते हुए 100 वर्ष तक जीवन जीने से अमृत पद को देखते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वससतं जीवे अपसं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो धम्ममुत्तमं। उत्तम धम्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष के जीने से उत्तम धम्म की ओर ध्यान देते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। पापवग्गो। अभिथरेत कल्याणी पापा चित्तं निवारे दंधं हि करोति पुञ्यं पापस्मिं रमति मनो। कल्याण कर्मों को करने में जल्दी करें, पाप से मन को हटाएं। शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। पापं च पुरिसो कैरा नतं कैरा पुनः पुनः नतं हि छन्दं कैराथ दुखो पापस्स उच्चयो। यदि पाप हो गया तो उसे पुनः पुनः ना करें, उसमें रत ना होवें। पाप का संचय दुख का कारण होता है। पुयं च पुरिसो कैरा कैराथेत पुनः पुनः तम्हि छन्दं कैराथ सुखो पुयस्स उच्चयो। शुभ कर्म करें तो उसे पुनः पुनः करें, उसमें रत होवें। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। पापोऽपि पश्यति भद्रं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं
अथ पापो पापानि पश्यति। पापी को भी तब तक ही भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता। जब पाप फल देता है तो उसे भी बुरा लगता है। भद्रोपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति, यदा च पच्यति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। पुण्य कर्म करने वाले को भी तब तक भला नहीं लगता जब तक पुण्य फल नहीं देता। जब पुण्य फल देता है तब उसे भला लगता है। माव मयेथ पापस नमं तं आगमिष्यति, उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति, पूरति बालो पापस थोक थोकंपि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना ना करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा करके पाप इकट्ठा कर लेता है। माव मयेथ पुञ्यस्य नमन्तं आगमिष्यति, उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति, पूरति धीरो पुञ्यस्य थोक थोकंपि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। धैर्यवान थोड़ा थोड़ा करके पुण्य का संचय कर लेता है। वाणिजो भयं मग्गं अपसत्थो महद्धनो, विसं जीवितु कामो पापानि परिभज्जये। थोड़े काफिले और बहुत धन वाला व्यापारी भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है, अथवा जीने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़ दे। पाणिमिचे वणो नास हरेय पाणिना विसं, ना बणं विसमन्वेति नत्थि पापं अकुब्बतो। यदि हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित हाथ में विष नहीं चढ़ता। उसी प्रकार ना करने वाले को पाप नहीं लगता। यो अपदुष्टस्य नरस्य दुस्सति, शुद्धस्य पोषस्य अनंगणस्य, तमेव बालं पच्येति पापं सुकुमो रजो पटिवातव खित्तो। जो शुद्ध निर्मल दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है। गभमे के उपजन्ति निरयं पापकम्मिनो, सगं सुगतिनो यन्ति परिनिबन्ति अनासवा। कोई संसार में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं, शुभ कर्मी स्वर्ग में जाते हैं, और जो चित्त के मलों से रहित हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। न अंतलिखे न समुद्र मध्ये न पब्बतानं विवरं पविस्, न विज्जतीसो जगति पदेशो यत्थितो मुञ्येत पापकम्मा। न आकाश में न समुद्र की तह में न पर्वतों के गह्वर में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहकर आदमी पाप कर्म के फल से बच सके। न अंतलिखे न समुद्र मध्ये न पब्बतानं विवरं पविस्, न विज्जति सो जगति पदेशो यत्थितं न पसहे यमच्चु। न आकाश में न समुद्र की तह में न पर्वतों के गह्वर में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहने वाला मृत्यु से बच सके। दंडवग्गो। सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो, अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे।
सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे सं जीवितं पियं हत्तानं उपमं कत्वा न हनीयन घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति हत्तनो सुखमेसानो पेच्चसो न लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से मारता है वो मरकर सुख नहीं पाता। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुखमेसानो पेच्चसो लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से नहीं मारता वो मरकर सुख पाता है। मावो च फरुसंकंचि उत्तापटिवदे युतं दुखा हि सारंभ कथा पटिदंडा फुसे युतं। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई हैं, बोलने से बदले में तुम दंड पावोगे। सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा एस पत्तोसि निब्बानं सारंभो तेन विज्यति। यदि पीटे जाने पर टूटे हुए कांसे की तरह अपने को निःशब्द रखो तो तुमने निर्वाण को पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा। यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं एवं जरा च मच्छू च आयुं पाचेन्ति पाणिनं। जैसे ग्वाला गायों को डंडे के संकेत से चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुझ्यति सेहि कम्मेहि दुम्मेधो अग्निदड्ढो वतप्पति। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख आदमी नहीं बूझता, पीछे दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। यो दंडेन अदंडेषु अपदुठेषु दुस्सति दसन्न मय्यतरं ठानं क्षिप्पमेव निगच्छति। वेदनं फरुसं जानि शरीरस्य च भेदनं गरुकं वापि आबाधं चित्तखेपं व पापुणि। राजतो उपसग्गं अभखानं व दारुणं परिखयं व यातिनं भोगानं व पभंगुरं। अथवस्स अगारानि अग्नि डहति पावको कायस्य भेदादुपयो निरयं सोपपच्यति। जो अदंडनीय को दंड देता है या दोष रहित को दोष लगाता है उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय, आग उसके घर को जला देती है, शरीर छूटने पर वो दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। न नगचर्या न जटा न पंका नाना सका थंडिल साईकावा रजोच जल्लंग उक्कुटिक पधानं सोधिन्ति मच्चं अवितीर्ण कंखं। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसके संशय शेष हैं। अलंकतो चेपि समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी
सब्बेषु भूतेषु निधाय दण्डं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वो शांत है, यदि वो दांत है, यदि वो नियत ब्रह्मचारी है और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्खु है। हिरिनिषेधो पुरिषो कोचि लोकस्मि विज्यति यो निंदं अपबोधति अस्सो भद्रो कसामिव। लोक में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे लोक निंदा नहीं सह सकते। असो यथा भद्रो कसानि विठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ सद्धाय सीले नच विरिये नच समाधिना धम्म विनिच्छये नच संपन्न विद्याचरणा पतिसता पहसत दुःखमिदं अनपकं। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धम्म विनिश्चय से युक्त हो, विद्यावान और आचारवान बनो। स्मृति को बनाए रख, उस महान दुख का अंत करो। उदकं हि नयन्ति नित्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुब्बता। पानी ले जाने वाले पानी को ढालते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ढालते हैं, बढ़ई लकड़ी को ढालते हैं और सुवृत्ति जन अपने मन का दमन करते हैं। जरावग्गो कोनु हासो किमानंदो निच्चं पज्जलिते सती अंधकारेन ओनद्धा पदीपं नगवेसथ। सब कुछ जल रहा है, तुम्हें हंसी और आनंद सूझता है, अंधकार से घिरे रहकर भी तुम प्रदीप को नहीं खोजते। पश्चित्त कतं बिंबं अरुकायं समुस्थितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नत्थि धुवंथिति। इस विचित्र शरीर को देखो जो व्रणों से युक्त है, जो फूला हुआ है, जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है। परिगिन्नमिदं रूपं रोगनिढं पभंगुरं भिज्यति पूति संदेहो मरणंतं हि जीवितं। ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, भंगुर है, सड़ कर भग्न होने वाला है, सभी जीवितों को मरना होता है। यानि मानि अपत्थानि अलाबुनेव सारदे कापोतकानि अठीनि तानि दिस्वान कारति। ये जो शरद काल की सी अपत्थ लौकी की तरह या कबूतरों की सफेदी की सी सफेद हड्डियां हैं, उन्हें देख कर शरीर में किसी की क्या रति होगी। अट्टीनं नगरं कतं मंस लोहित लेपनं यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो। हड्डियों का नगर बनाया गया है, मांस रक्त से लेपा गया है, इसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरंपि जरं उपेति सतंच धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभ्य पवेदयन्ति। सुचित्रित राजरथ पुराने पड़ जाते हैं, शरीर जरा को प्राप्त हो जाता है, किंतु बुद्धों का धम्म जरा को प्राप्त नहीं होता। संत जन सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं। अपसुतायं पुरिसो बलिवद्दो वजीरति मनसानि तस्स वढ्ढन्ति प
पैया तस्सन वढ़ति। अज्ञानी पुरुष बैल की तरह बढ़ता जाता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनक पुनं गह कारक दिठोसी पुनगेहन काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गह कुटं विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तन्नानं खयमज्जगा। गृहकारक को ढूंढते ढूंढते मैं अनेक जन्मों तक लगातार संसार में दौड़ता रहा। बार बार जन्म लेना दुखदायक है। हे गृहकारक, तू दिखाई दे गया, अब फिर घर नहीं बना सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई हैं, घर का शिखर बिखर गया है, चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णाओं का क्षय हो गया। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जिन्न कोचाव झायन्ति खीण मच्छेव पल्लले। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो बिना मछली के तालाब में बूढ़े क्रौंच पंक्षी की तरह ध्यान लगाते हैं। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं सेन्ति चापाति खिणाव पुराणानि अनुत्थनं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो टूटे धनुष की तरह पुरानी बातों पर पछताते हुए पड़े रहते हैं। अत्वग्गो अत्तानं च पियं जय्या रक्खेयतं सुरक्षितं तिन्नमय्य तरं यामं पटिजग्गेय पंडितो। जिसे स्वयं से प्रीत है वो स्वयं को सुरक्षित रखे। पंडित जन रात के 3 प्रहरों में से 1 प्रहर जागता रहे। अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अथय मनसासेय न किलिसेय पंडितो। जो उचित है यदि उसे पहले स्वयं आचरण कर दूसरे को उपदेश दिया जाए तो पंडित जन को क्लेश न हो। अत्तानं चे तथा कैरा यथं च मनुषासति सुदन्तवत दम्मेथ अत्ताहि किर दुद्दमो। यदि पहले स्वयं वैसा करे जैसा औरों को उपदेश देता है तो अपने को दमन कर सकने वाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः अपने को दमन करना ही कठिन है। अत्ताहि अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया अत्तनाव सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। मनुष्य अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने को दमन करने वाला दुर्लभ स्वामित्व को पाता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवं अभिमत्थति दुम्मेधं वज्रं वस्ममयं मणि। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने से किया गया पाप दुर्बुद्ध मनुष्य को वैसे ही पीड़ित करता है जैसे पाषाणमय मणि को वज्र पीड़ित करता है। यस्सच्चन्त दुस्सिल्यं मालुवा सालमिवो ततं करोति सो ततत्तानं यथानं इच्छति दिशो। शाल वृक्ष पर फैली मालुवा लता की भांति जिसका दुराचार फैला हुआ है वो अपने लिए वैसा ही करता है जैसा उसके शत्रु चाहते हैं। सुकरानि असाधुनि अत्तनो अहितानि च यंगवे हितं च साधुं च तंगवे परम दुःकरं। बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों का करना आसान है लेकिन शुभ और हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है। यो शासनं अरहंतं अरियानं धम्म जीवनं पटिको सती दुम्मेधो दिठिं निस्साय पापिकं फलानि कट्ठकस्येव अत्तधग्गाय फल्लति।
भ्रांत सिद्धांत का अनुयायी होने के कारण जो दुर्बुद्धि धम्मजीवी आर्य अरहतों के शासन की निंदा करता है वो बांस के फल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता है। अत्तनावकतं पापं अत्तना संकिलिस्सति अत्तना अकतं पापं अत्तनाव विसुज्जति शुद्धि अशुद्धि पच्चतं नायो अयं विशोधये। अपना किया पाप अपने को ही मलिन करता है, अपना ना किया पाप अपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि अशुद्धि अलग अलग है, एक व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापीन हापये अत्तदत्थमभियाय सदत्थ पशुतोषिया। दूसरों के हित के लिए अपने हित की बहुत अधिक उपेक्षा भी न करें, आत्मार्थ को जानकर सद्धर्म में लगे रहें। लोकवग्गो हीनं धम्मं न सेवेय पमादेन संवसे मिथ्या दिप्थिं न सेवेय नसिया लोकवर्धनो। हीन धर्म का पालन न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्या धारणा न रखें और आवागमन को बढ़ाने वाला न बने। उत्तिष्ठे न पमजेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच। उठो, आलस न करो, सुचरित धम्म का आचरण करो। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच। सुचरित धम्म का आचरण करें, दुष्चरित कर्म का त्याग करें। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। यथा बुब्बुलकं पश्ये यथा पश्ये मरीचिकं एवं लोक अवेक्षन्तं मच्छुराजा न पश्यति। जैसे आदमी बुलबुले को देखता है, जैसे मरु मरीचिका को देखता है, वैसे ही जो पुरुष लोक को देखता है उसकी ओर यमराज आंख उठाकर नहीं देखता। एथ पश्यथिमं लोकं चित्तं राजरथूपमं यत्थ बाला विसीदन्ति नत्थि संगो विजानतं। आओ, विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, इसमें मूढ़ जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी आसक्त नहीं होते। योच पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति सोम लोकं पभासेति अभामुत्तो वचंदिमा। जो पहले भूल करके फिर भूल नहीं करते वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करते हैं। यस्य पापं कतं कम्मं कुशलेन पिथीयति सोमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचंदिमा। जो अपने किए पाप कर्म को कुशल कर्म से ढक देता है वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। अंधभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपस्सति सकुंतो जालमुत्तो अपो सग्गाय गच्छति। ये संसार अंधा है, यहाँ थोड़े ही देखते हैं, जाल से मुक्त पंछियों की तरह थोड़े ही स्वर्ग को जाते हैं। हंसादिच्च पथेयन्ति आकाशे यन्ति धिया नियन्ति धीरा लोकम्मा जेत्वा मारं सवाहनं। हंस आकाश में उड़ते हैं, रिद्धि बल प्राप्त आकाश मार्ग से जाते हैं और सेना सहित मार्ग को जीत लेने पर धीर जन लोक से निर्वाण को जाते हैं। एकं धम्मं अतीतस्य
मुसावादिस्स जंतुनो वितिन्न परलोकस्स नत्थि पापं अकार्यं। जो इस एक नियम को लांग गया है, जो मिथ्याभाषी है और जिसको परलोक का ख्याल नहीं, वो आदमी किसी भी पाप कर्म को कर सकता है। नवे कदरिया देवलोकं वजन्ति बाला हवे नप संसंति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो तेने वसो होति सुखी परथ। कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते, धैर्यवान व्यक्ति दान अनुमोदन कर उसी कर्म से परलोक में सुखी होता है। पथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। अकेले पृथ्वी का राजा होने से, स्वर्ग जाने से, सभी लोकों का अधिपति होने से भी अधिक श्रेष्ठ है श्रोतापत्ति फल। बुद्ध वग्गो। यस्स जितं नावजीयति जितं यस्सनो याति कोचि लोके तं बुद्धमनंत गोचरं अपदं केन पदेन निसथ। जिसकी जीत हार में परिणत नहीं हो सकती, जिसकी जीत को लोक में कोई नहीं पहुंच सकता, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। यस्स जालिनी विसत्तिका तन्ना नत्थि कुहिंचि नेतवे तं बुद्ध मनंत गोचरं अपदं केन पदेन निसथ। जिसे जाल फैलाने वाली विषय रूपी तृष्णा लोक में कहीं भी नहीं ले जा सकती, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। ये झाण पशुता धीरा नेखम उपसमेरता देवापि ते संग पिहन्ति संबुद्धानं सतीमतं। जो धीरवान है, ध्यान में रत है, त्याग और उपशमन में लगे हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छं मच्चानं जीवितं किच्छं सद्धम्म सवणं किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है, सद्धम्म का सुनना मुश्किल से मिलता है और बुद्धों का जन्म मुश्किल से होता है। सब पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब प्रकार के पापों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, चित्त को निरंतर परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का शासन है। खन्ति परमं तपोतितिक्खा निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पब्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठ्यन्तो। शांति और सहनशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ कहते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रव्रजित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा ना देने वाला ही श्रवण होता है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतयुता च भत्तस्मिं पंतं च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासनं। किसी की निंदा न करना, किसी का घात न करना, भिक्षु नियमों का पालन करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना, बैठना, चित्त को योगाभ्यास में लगाना, यही है बुद्धों की शिक्षा। न कहा पणवस्सेन तित्ति कामेषु विज्जति अपस्सादा दुखा कामा इति वियाय पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तन्न क्षयरतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। कार्षापणों की वर्षा होने से भी
मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले हैं, दुखद हैं। ये जानकर पंडित जन दिव्य काम भोगों में भी रति नहीं करते और सम्यक संबुद्ध का शिष्य तृष्णा के नाश करने में लगा रहता है। बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुख चेत्यानि मनुष्या भयतज्जिता। नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं नेतं शरणमागम सब दुःखापमुच्यते। भय के मारे मनुष्य पर्वत वन उद्यान वृक्ष चैत्य आदि बहुत चीजों की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये शरण गमन कल्याणकर नहीं, उत्तम नहीं। इन शरणों को ग्रहण करके कोई सारे के सारे दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि सम्मपय्याय पश्यति। दुःखं दुःख समुपादं दुःखस्य च अतिक्रमं अरियं च अट्ठंगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं। एतं को शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम सब दुःखापमुच्यते। जो बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है, जो चार आर्य सत्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखता है, दुख दुख की उत्पत्ति दुख का विनाश दुख का उपशमन करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसका ये शरण गमन कल्याणकर है। यही उत्तम शरण है। इस शरण को ग्रहण करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। दुर्लभो पुरिसा जयो नसो सबत्थ जायति यत्थसो जायति धीरो तकुलं सुखमेधति। श्रेष्ठ पुरुष का जन्म दुर्लभ है, वो सब जगह पैदा नहीं होता। जिस कुल में वो धीर पैदा होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। बुद्धों का जन्म सुखकर है, सद्धम्म का उपदेश सुखकर है, संघ में एकता का होना सुखकर है, और सुखकर है मिलकर तप करना। पूजा रहे पूजयतो बुद्धे यदि वसावके पपंच समतिकंते तिन्न शोक परिद्दवे ते तादिसे पूजयतो निबुते अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुं इमेत्तमिति केनचि। पूजनीय बुद्धों अथवा उनके शिष्यों जो संसार के प्रपंच से छूट गए हैं, जो शोक भय को पार कर गए हैं, उनकी पूजा करके या उनके जैसे मुक्त और निर्भय पुरुषों की पूजा करके उनके पुण्य के परिमाण को इतना है ऐसा करके कोई बता नहीं सकता। सुखवग्गो सुसुखं वत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो वेरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैर करने वाले मनुष्यों में अवैरी बने रहकर हम सुख पूर्वक जीते हैं, वैरी मनुष्यों में हम अवैरी बनकर विचरते हैं। सुसुखं वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। रोगी मनुष्यों में रोग रहित होकर हम सुख पूर्वक जीते हैं, रोगी मनुष्यों में हम स्वस्थ बने रहकर विहार करते हैं। सुसुखं वत जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त बने रहकर हम सुख पूर्वक जीते हैं, आसक्त मनुष्यों में हम अनासक्त बने रहकर
विहार करते हैं। सुसुखं वत जीवाम एसं नो नत्थि किंचनं पीति भक्खा भविष्याम देवा आभस्सरायथा। जिन हम लोगों के पास कुछ नहीं, अहो हम सुखपूर्वक जीते हैं, हम आभास्वर देवताओं की तरह प्रीति का भोजन करके रहेंगे। जयं वैरं पसवति दुःखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयं। जय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है। जय पराजय दोनों को छोड़कर शांत मनुष्य सुखपूर्वक सोता है। नत्थि राग समो अग्नि नत्थि दोष समो कली नत्थि खंद समा दुखा नत्थि संति परं सुखं। राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान मल नहीं, पांच स्कंदों के समान दुख नहीं, शांति से बढ़कर सुख नहीं। जिगच्छा परमारोगा संखारा परमा दुखा एतं यत्वा यथाभूतं निब्बानं परमं सुखं। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार परम दुख है, इस यथार्थ को जानने वाले को निर्वाण परम सुख है। आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमायाति निब्बानं परमं सुखं। आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख। पविवेक रसं पित्वा रसं उपसमस्सच निद्दरो होति निपापो धम्म पीते रसं पिवं। एकांतवास तथा शांति के रस को पान कर आदमी निडर होता है और धम्म के प्रीति रस को पान कर होता है निष्पाप। साधु दस्सन मरियानं सन्निवासो सदा सुखो अदस्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया। सत्पुरुषों का दर्शन करना अच्छा है, सत्पुरुषों की संगति सुखकर है, मूर्खों का दर्शन न होने से ही आदमी सुखी रहता है। बाल संगत चारी ही दीघ मध्यान सोचति दुखो बाले ही संवासो अमित्ते नेव सबदा धीरो च सुख संवासो याति नव समागमो। मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घ काल तक शोक करता है, मूर्खों की संगति शत्रु की संगति की तरह सदा दुखदाई होती है और धैर्यवानों की संगति बंधुओं की संगति की तरह सुखदाई होती है। तस्माहि धीरं च पञ्यच्च बहुसुतं च घोरैः शीलं वतवन्तमर्यं तं तादिशं सपुरिशं सुमेधं भजेत नखत पथं वचन्दिमा। इसलिए धीर प्राज्ञ बहुश्रुत उद्योगी व्रति आर्य तथा सुबुद्ध सत्पुरुष की संगति करे, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का सेवन करता है। पियवग्गो अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिं च अयोजयं अत्थं हित्वा पियग्गाहि पिहे तत्तानुयोगिनं। अपने को उचित कार्य में न लगा, अनुचित कार्य में लगा, सदर्थ को छोड़कर प्रिय के पीछे भागने वाले को आत्मानुयोगी की स्पृहा करनी चाहिए। मा पिये ही समागच्छि अपिये ही कुदाचनं पियानं अदस्सनं दुःखं अपियानं च दस्सनं। प्रियों का साथ मत करो, अप्रियों का साथ भी न करो। प्रियों का दर्शन दुखद होता है, अप्रियों का दर्शन दुखद होता है। तस्मा पियं न कैराथ पिया पायो हि पापको गंथा ते संग न विज्जन्ति
ए संग नथी पिया पियं। इसलिए किसी को प्रिय न बनाए, प्रिय का नाश बुरा लगता है। उसके दिल में गांठ नहीं होती जिनके प्रिय अप्रिय नहीं होते। पिय तो जायते शोको, पिय तो जायते भयं, पिय तो विपमुत्तस्स नत्ति शोको कुतो भयं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय। जो प्रिय से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। प्रेम तो जायते शोको, प्रेम तो जायते भयं, प्रेम तो विपमुत्तस्स नत्ति शोको कुतो भयं। प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय। जो प्रेम से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। रतिया जायते शोको, रतिया जायते भयं, रतिया विपमुत्तस्स नत्थि शोको कुतो भयं। राग से शोक उत्पन्न होता है, राग से भय। जो राग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयं, काम तो विपमुत्तस्स नत्थि शोको कुतो भयं। काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय। जो काम भोग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। तन्हाय जायते शोको, तन्हाय जायते भयं, तन्हाय विपमुत्तस्स नत्थि शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय। जो तृष्णा से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। सीलवसन संपन्नं धम्मठं सच्चिवादिनं अत्तनो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरुते पियं। जो शीलवान है, जो विद्वान है, जो धम्म में स्थिर है, जो सत्यवादी है, जो अपने काम को करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को लोग प्यार करते हैं। छंद जातो अनखातो मनसाच फुटोसिया कामेशुच अपटिबद्ध चित्तो उद्धं सोतोति उच्चति। जिसको निर्वाण की अभिलाषा है, जिसने उसे मन से स्पर्श कर लिया है, जिसका चित्त काम भोगों में संलग्न नहीं है, वो ऊर्ध्व स्रोत कहलाता है। चिरप्पवासिं पुरिसं दुरतो सोथि मागतम यतिमित्ता सुहज्जाच अभिनंदति आगतम तथेव कतपुय्यमी अस्मालोका परंगत पुय्यानि पतिगण्यन्ति पियं यातीव आगतम। चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटते पर जाति बंधु और मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार पुण्यकर्मा पुरुष के इस लोक से परलोक जाने पर उसके पुण्य उसका स्वागत करते हैं, जैसे ज्ञाति बंधु अपने प्रिय व्यक्ति का। कोधवग्गो। कोधं जहे विपजहे यमानं संयोजनं सब्बमतिकमेय तं नाम रूपस्मिं असज्जमानं अकिंचनं नानुपतंति दुखा। क्रोध को छोड़ दें, अभिमान को छोड़ दें, सब बंधनों का अतिक्रमण कर जाए, ऐसे व्यक्ति को जो नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो परिग्रह से रहित है, दुख नहीं होता। यो वे उपतितं कोधं रथं भंतं वधारये तमहं सारथि ब्रूमि रश्मि गाहो इतरो जनो। जो आए हुए क्रोध को उसी तरह रोच ले जैसे कोई मार्ग भ्रष्ट रथ को। उस आदमी को मैं असली सारथी कहता हूँ, दूसरे लोग तो केवल रस्सी पकड़ने वाले भर हैं।
अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं। क्रोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कंजूसपन को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। सच्चं भणेन कुज्जेय दज्जापस्मिंपि याचितो एते हिति ठाने गच्छे देवान संतिके। सत्य बोले, क्रोध ना करे, मांगने पर थोड़ा रहते भी दे, इन तीन बातों के करने से आदमी देवताओं के पास जाता है। अहिंसकाय मुनयो निच्चंकायेन संता ये यन्ति अच्युतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे। जो मुनिजन अहिंसक हैं, जो शरीर से सदा संयत हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त होते हैं जहाँ जाने पर शोक नहीं होता। सदा जागरमानानं अहोरत्तानुसिक्खिनं निब्बानं अधिमुक्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। जो सदा जागरूक रहते हैं, जो रात दिन सीखने में लगे रहते हैं, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। पौराण मेतं अतुल नेतं अज्जतनामिव निंदन्ति तुन्निमासिनं निंदन्ति बहुभाणिनं मीत भाणिनं पि निंदन्ति नत्ति लोके अनिंदितो न चाहु न च भविष्यति न चेतरहि विज्यति एकंतं निंदितो पोसो एकंतं वापसंसितो। हे अतुल, ये बात पुरानी है, आज की नहीं। चुप बैठे रहने वाले की भी निंदा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निंदा होती है, कम बोलने वाले की भी निंदा होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी निंदा ना होती हो। ऐसा आदमी जिसकी या तो बिल्कुल प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो या निंदा ही निंदा, ना हुआ है ना होगा। यंचे वियु प्रशंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे अच्छिद्द उत्तिं मेधाविं पय्याशील समाहितं नेखं जंबो नदस्येव कोतं निंदितुमरहति देवापितं प्रशंसन्ति ब्रह्मो नापि प्रशंसितो। जिस आदमी की प्रशंसा विज्ञ लोग सोच विचार कर प्रतिदिन करते हैं, उस दोष रहित मेधावी प्रज्ञाशील से युक्त जांबुनत की अशर्फी के समान आदमी की निंदा कौन कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वो प्रशंसित होता है। कायप्पकोपं रखेय कायेन समुतोषिया काय दुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे। काय की चंचलता से बचो, काया का संयम रखो, शारीरिक दुश्चरित्र को छोड़कर शरीर से सदाचरण करो। वचीपकोपं रखेय समुतोषिया वची दुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे। वाणी की चंचलता से बचो, वाणी का संयम रखो, वाणी का दुश्चरित्र छोड़कर वाणी का सदाचरण करो। मनोपकोपं रखेय मनसा संतोषिया मनो दुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे। मन की चंचलता से विरत रहो, मन का संयम रखो, मन का दुश्चरित्र छोड़कर मानसिक सदाचरण का आचरण करो। कायेन संता धीरा अथो वाचाय संता मनसा संता धीरा तेवे सुपरिसंता। जो काया से संयत हैं, जो वाणी से संयत हैं, जो मन से संयत हैं, वे ही अच्छी तरह से संयत कहे जा सकते हैं। मलवग्गो,
पंडुपलासोव दानिसी यम पुरिसापि च तं उपठिता वियोग मुखे च तिठसी पाथे यंपी च तेन विज्जति। इस समय तू पीले पत्ते के समान है, तेरे पास यमदूत आ खड़े हुए हैं, तेरे प्रयाण की तैयारी है और तेरे पास पाथे भी नहीं है। सो करो हि दीपमत्तनो खिप्पं वायं पंडितो भव निद्धन्तमलो अनंगणो दिव्यं अर्य भूमि में हिसी। इसलिए अपने को द्वीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मल रहित दोष रहित होकर तू दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त करेगा। उपनीतवयो च दानिसी संपयातोस्ति यमस्य संतिके वासोपि च नत्थि अंतरा पाथेयम्पि च तेन विज्जति। तेरी आयु समाप्त हो गई है, तू यम के पास आ पहुंचा है, तेरे लिए रास्ते में निवास स्थान भी नहीं है और तेरे पास पाथे भी नहीं है। सो करो हि दीपमत्तनो खिप्पवायं पंडितो भव निद्धन्त मलो अनंगणो न पुनः जाति जरंग उपेहिसी। इसलिए अपने को द्वीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मल रहित दोष रहित होकर तू जन्म और बुढ़ापे के बंधन में नहीं पड़ेगा। अनुपबेन मेधावी थोक थोकं खणे खणे कम्मारो रजतस्येव निद्धमे मलमत्तनो। जिस प्रकार सोनार चांदी के मल को दूर करता है, उसी प्रकार मेधावी पुरुष प्रतिक्षण थोड़ा थोड़ा करके अपने दोषों को दूर करे। अयसाव मलं समुठितं तदुठाय तमेव खादति एवं अतिधोन चारिनं सानिकम्मानि नयन्ति दुग्गतिं। लोहे से उत्पन्न मोर्चा लोहे से पैदा होकर लोहे को ही खा डालता है, उसी प्रकार अति चंचल मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। असज्जाय मलामंता अनुठान मलाघरा मलंग वर्णस को सज्जं पमादो रखतो मलंग। जाप नहीं करना मंत्रों का मल है, मरम्मत नहीं करना घरों का मल है, आलस्य शरीर के सौंदर्य का मल है और असावधानी पहरेदार का मल है। मलिथिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं मलावे पापका धम्मा अस्मिं लोके परमिच। दुश्चरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूस होना दाता का मल है और पाप कर्म इस लोक परलोक में मल है। ततो मला मलतरंग अविज्जा परमं मलं एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो। लेकिन इन सब मलों से बढ़कर है अविद्या, भिक्खुओं इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। सुजीवं अहिरिकेन काकसूरेन धनसिना पखंदिना पगभेन संकिलिठेन जीवितं। पाप के प्रति निर्लज्ज कौवे के समान छीनने में सूर परहित विनाशक पतित उच्छृंखल और मलिन बनकर जीवन व्यतीत करना आसान है। हिरिमता च दुज्जीवं निच्चं सुजिकवेसिना अलिनेन पगभेन शुद्धा जीवेन पस्सता। लेकिन पाप के प्रति लज्जाशील नित्य ही पवित्रता का विचार करते हुए आलस्य रहित उत्संकलता रहित शुद्ध आजीविका के साथ विचारवान बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन है। यो पाणमति पातेति मूसावादं च भासति लोके अदिन्नं आदियति परदारं च गच्छति सुरामेरय पानं च यो नरो अनुयुञ्जति इदेव मे स्वलोकस्मिं मूलं खनति अत्तनो। जो हिंसा करता है
जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री गमन करता है और जो मद्यपान करता है, वो आदमी यहीं इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। एवं भोपुरिस जाना ही पाप धम्मा असंयता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुखाय रंधयुं। हे पुरुष, इसलिए ऐसा जानकर कि असंयत पापी होते हैं, तुझे लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ना बांधे। ददाति वे यथा सद्धं यथा प्रसादनं जनो तत्थवो मंकु भवति परे संग पान भोजने नसो दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लोग अपनी अपनी श्रद्धा और प्रसन्नता के अनुसार दान देते हैं। जो दूसरों के खाने पीने में असंतोष प्रकट करता है, उसको न रात को शांति प्राप्त होती है न दिन को। यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलधच्चं समूहतं सवे दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लेकिन जिसमें ये भाव जड़ मूल से जाता रहा है, वो रात को भी दिन को भी सदा शांति से रहता है। नत्थि राग समो अग्नि नत्थि दोष समो गहो नत्थि मोह समं जालं नत्थि तन्ना समानदि। राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। सुदस्सं वज्जमये सं अत्तनोपनदुद्धसं परे सं हिसो वज्जानि ओपुणाति यथाभुसं अत्तनोपन छादेति कलिंग कितवासठो। दूसरों के दोष देखना आसान है, अपने दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को जो भूसे की भांति उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को ऐसे ढकता है जैसे बेईमान जुवारी पासे को छुपाता है। परवज्जान पश्चिस निच्चं उज्जान संयिनो आसवा तस्स वढ़न्ति आरासो आसवखया। दूसरों के ही दोष देखते फिरने वाले के, सदा चिढ़ते रहने वाले के आश्रव बढ़ते हैं। ऐसा आदमी आश्रवों के क्षय से दूर है। आकाशेव पदं नक्थि समणो नक्थि बाहिरे पपंचाभिरता पजा निपपंचा तथागता। आकाश में चिन्ह नहीं, श्रमण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, लोग प्रपंच में लगे रहते हैं, तथागत निष्प्रपंच हैं। आकाशेव पदं नक्थि समणो नत्थि बाहिरे संखारा सस्सता नत्थि नत्थि बुद्धा नमीतं। आकाश में चिन्ह नहीं, श्रमण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, संस्कार नित्य नहीं है और बुद्धों में अस्थिरता नहीं है। धम्मठवग्गो न तेन होति धम्मठो एनत्थ सहसानय यो च अत्थं अनत्थं च उभो नेच्छेय पंडितो असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मठोति पौच्यति। जो आदमी सहसा किसी बात का निश्चय कर दे, वो धम्म स्थित नहीं कहलाता। जो पंडित जन अर्थ अनर्थ दोनों का अच्छी तरह से विचार कर धीरज के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करता है, वही मेधावी धम्म स्थित कहलाता है। न तेन पंडितो होति यावता बहुभासति खेमी अवेरि अभयो पंडितो तिपउच्यति। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं होता, जो क्षेमवान अवैरी और निर्भय होता है वही पंडित कहलाता है। नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वानं
धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता। थोड़ा भी सुनकर जो काया के अनुसार धम्म का आचरण करता है और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता वही धम्मधर है। न तेन थेरो होति येन स पलितं सिरो परिपक्को वयो तस्स मोघ जिन्नोति उच्यति। सिर के बाल पकने से कोई स्थिर नहीं होता, उसकी आयु पकी रहती है, वो व्यर्थ में ही वृद्ध कहलाता है। यमि सच्चं च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सवे वंतमलो धीरो थेरोति पौच्यति। जिसमें सत्य धर्म अहिंसा संयम और दमन है वही विगतमल धीर स्थविर कहलाता है। न वाक्करणमत्तेन वन्न पोखरताय वा साधु रूपो नरो होति इसुकी मच्छरी सठो यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलधच्चं समूहतं सवंत दोसो मेधावी साधु रूपोति उच्यति। यदि वो ऋष्यालु मत्सरी और शठ हो तो वक्ता होने से या सुंदर रूप होने से आदमी साधु रूप नहीं होता। जिस आदमी के ये दोष जड़ मूल से नष्ट हो गए हैं, जो दोष रहित है मेधावी है वही साधु रूप कहलाता है। न मुंडकेण समनो अभदो अलिकं भणं इच्छा लाभ समापन्नो समनो किं भविष्यति योच समेति पापाणि अणुं थोलानि सब्बसो समितत्ता हि पापाणं समनोति पौच्यति। जो वृत्तहीन है जो मिथ्याभाषी है वो मुंडित शीश होने मात्र से श्रमण नहीं होता। इच्छा लोभ से भरा मनुष्य क्या श्रमण बनेगा? जो सब छोटे बड़े पापों का शमन करता है उसे पापों का शमन करता होने के कारण श्रमण कहते हैं। न तेन भिक्खु होती यावता भिक्खते परे विसंग धम्मं समादाय भिक्खु होती न तावता। दुराचरण युक्त मनुष्य दूसरों से भिक्षा मांगने वाला होने मात्र से भिक्खु नहीं होता, न विषम धम्म को ग्रहण करने से भिक्खु होता है। योध पुण्यं च पापं च बाहित्वा ब्रह्मचर्य वा संखाय लोके चरति सवे भिक्खुति उच्यति। जो पुण्य और पाप से परे हो गया है, जो ब्रह्मचारी है, जो ज्ञान पूर्वक लोक में विहरता है वो भिक्खु है। न मौनेन मुनि होति मूढ़हरूपो विद्वसु योच तुलंग पग्गैः वरमादाय पंडितो पापानि परिवज्जेति स मुनि तेन सो मुनि यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पउच्यति। मूढ़ और अविद्वान केवल मौन रहने से मुनि नहीं होता। जो पंडित तुला की भांति तोल कर उत्तम तत्व को ग्रहण कर पापों को त्यागता है वही असली मुनि है। जो दोनों लोकों का मनन करता है वो मुनि होता है। न तेन अर्यो होति येन पाणानि हिंसति अहिंसा सब पाणानं अर्योति पउच्यति। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आदमी आर्य नहीं होता। जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता वही आर्य होता है। न सीलब्बत मत्तेन बाहु सच्चेन वापन अथवा समाधि लाभेन विवित्त सयनेन वा फुसामि नेखम सुखं अपुथु जन सेवितं भिक्खु विस्सासमापादि अपत्तो आसवक्खयं। भिक्षुओं, शीलवान होने से, व्रति होने से, बहुश्रुत होने से, समाधि लाभी होने से या एकांतवासी होने मात्र से ये विश्वास मत कर लो कि मैं सामान्य जनों से असेवित निष्क्रम सुख का आनंद ले रहा हूँ।
जब तक आश्रव क्षय ना कर लो तब तक चैन ना लो। मग्गवग्गो। मग्गानं अठंगिको सेठो सच्चानं चतुरोपदा विरागो सेठो धम्मानं द्विपदानं च चक्खुमा। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं, धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और चक्षुमान बुद्ध श्रेष्ठ हैं। एसो मग्गो नत्थयो दसनस विशुद्धिया एतं हि तुम्हें पटिपज्जथ मारसेतं पमोहनं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं। भिक्षुओं, तुम इसी रास्ते पर चलो, ये मार्ग को मूर्छित करने वाला है। एतं हि तुम्हें पट्टिपन्ना दुख संतं करिष्यथ अखातो वे मया मग्गो अय्याय सल्लकंतनं। इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का अंत कर सकोगे। संसार दुख को स्वयं शल्य समान जानकर मैंने ये मार्ग कहा है। तुम्हें ही किच्चं आतपं अखातारो तथागता पट्टिपन्ना पमोखन्ति झाइनो मार बंधना। कृत्य तुम्हें ही करना है, तथागत तो केवल मार्ग बताने वाले हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार बंधन से मुक्त होंगे। सबे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है तभी उसे संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सबे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार दुख हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है तभी उसे संसार से विराग पैदा होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सबे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है तभी उसे संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। उत्थान कालम अनुठहानो युवा बलि आलस्यं उपेतो संसन्न संकप्प मनो कुसितो पय्याय मग्गं अलसो न विन्दति। जो उद्योग नहीं करता, युवा और बलि होकर भी आलस्य से युक्त है, जिसका मन व्यर्थ के संकल्पों से भरा है, ऐसा आलसी आदमी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। वाचानुरक्षि मनसा सुसंतो कायेन च अकुशलं न कैरा एते तयो कम्मपथे विशोधये आराधये मग्गमिसि पवेदितं। जो वाणी की रक्षा करता है, जो मन से संयमी है, जो शरीर से पाप कर्म नहीं करता, जो इन तीनों कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखता है, वही बुद्ध के बतलाए धम्म का सेवन कर सकता है। योगा वे जायति भूरी अयोगा भूरी संखयो एतं देधा पथंयत्वा भवाय विभवाय च तथत्तानं निवेशेय यथा भूरी पवंढति। योग अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है, योग न करने से ज्ञान का क्षय होता है। उत्पत्ति और विनाश के इस दो प्रकार के मार्ग को जानकर अपने आप को वैसा रखे जिससे ज्ञान की वृद्धि हो। वनं छिन्धत मारुखं वनतो जायति भयं छेत्वा वनं च वनथं च निबनाहोथ भिक्खवे। वन को काटो, वृक्ष को मत काटो, भय वन से पैदा होता है। हे भिक्खुओं, वन
और झाड़ी को काट कर निर्वाण को प्राप्त करो। यावं हिवनथो न छिज्यति अनुमत्तोपि नरस्वप्नारिषु पटिबद्ध मनोवतावसो वच्छो खीरपको व मातरी। जब तक स्त्री में पुरुष की अणु मात्र भी कामना बनी रहती है तब तक वो वैसे ही बंधा रहता है जैसे दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माँ से। उच्छिंद स्नेह मत्तनो कुमुदं सारदिक व पानिना संति मग्गमेव ब्रूह निब्बानं सुगतेन देशितं। जिस तरह अपने हाथ से शरद ऋतु के कुमुद के फूल को तोड़ा जाता है उसी तरह अपने हृदय से स्नेह का उच्छेद कर दो और सुगत द्वारा उपदिष्ट शांति मार्ग निर्वाण का अनुसरण करो। इध वस्स वसिष्यामि इध हेमंत गिम्मिषु इति बालो विचिन्तेति अंतरायं न बुझ्यति। यहाँ वर्षा वास करूँगा, यहाँ हेमंत वास करूँगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में रहूँगा, मूर्ख इस प्रकार सोचता है, विघ्न को नहीं देखता। तं पुत्तपस्सु सम्मतं व्यासत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महोगोव मच्चु आदाय गच्छति। पुत्र और पशु में आसक्त चित्त मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। न संति पुत्ता तानाय पिता नापि बंधवा अंत केनाधिपन्नस नत्थि याति सुतानता। न पुत्र रक्षा कर सकते हैं, न पिता, न रिश्तेदार। जब मृत्यु पकड़ती है तो रिश्तेदार नहीं बचा सकते। एतमत्थव संयत्वा पंडितो शीलसंतो निब्बान गमनं मग्गं खिप्पमेव विसूधे। इस बात को जानकर शीलवान पंडित जन को चाहिए कि निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग को शीघ्र साफ करे। पकिर्णक वग्गो। मत्ता सुख परिचागा पश्येच विपुलं सुखं चजे मत्ता सुखं धीरो संपस्सं विपुलं सुखं। थोड़े से सुख के परित्याग से यदि बहुत सुख की प्राप्ति दिखाई दे तो बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि बहुत सुख का ख्याल करके थोड़े सुख का परित्याग कर दे। पर दुख उपधानेन यो अत्तानो सुखमिच्छति वेर संसग्ग संसठो वेरासो न परिमुच्यति। दूसरे को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है वैर के संसर्ग में आया हुआ वो वैर से मुक्त नहीं होता। यं हि किच्चं तदपविद्धं अकिच्चं पनकैरति उन्नानं पमत्तानं तेसं वंढन्ति आसवा। जो कर्तव्य है उसे ना करने वाले, जो अकर्तव्य है उसे करने वाले मल युक्त प्रमादी जनों के आश्रव बढ़ते रहते हैं। एसं च सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति अकिच्चन्तेन सेवन्ति किच्चे सातच्च कारिनो सतानं संपजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। जिनकी काया अनुस्मृति नित्य उपस्थित है वो अकर्तव्य को नहीं करते, कर्तव्य को निरंतर करते हैं। ऐसे स्मृतिमान और सचेत लोगों के आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। मातरं पितरं हन्त्वा राजानुद्वेच खत्तिये रठं सानुचरं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि, उच्छेद दृष्टि, राग और पांच उपादान स्कंद का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है। मातरं पितरं हन्त्वा राजानुद्वेच सोत्थिये वेयग्ध पंचमं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि तथा उच्छेद दृष्टि और ज्ञान के पांच आवरणों का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है।
सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो चनिच्चं बुद्धगता सती। जिनकी दिन रात बुद्धानुस्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो चनिच्चं धम्मगता सती। जिनकी दिन रात धम्म स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो चनिच्चं संघगता सती। जिनकी दिन रात संघ स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च निच्चं कायगता सती। जिनकी दिन रात काया स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पमुझ्यन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च अहिंसाय रतो मना। जिनका मन दिन रात अहिंसा में रत रहता है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुझ्यन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च भावनाय रतो मनो। जिनका मन दिन रात योगाभ्यास में लगा रहता है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। दुप्पबज्जं दुरभिरमं दूरवासा घरा दुखा दुखो समान संवासो दुखानुपतितद्धगु तस्मानच अद्धगु सियानच दुखानुपतितो सिया। प्रवज्जा में रत होना दुष्कर है, गृहस्थी में रहना दुखकर है, असमान लोगों के साथ रहना दुखकर है, आवागमन में पड़ना भी दुखकर है, इसलिए न मार्ग में पड़े न दुख में गिरे। सद्धो सीलेन संपन्नो यशो भोग समप्पितो यं यं पदेसं भजति तत्थ तत्थेव पूजितो। जो श्रद्धावान है, जो शीलाचारी है, जो यशस्वी है, जो संपत्तिशाली है, वो जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं सत्कार पाता है। दूरे संतो पकासेंति हिमवंतो व पब्बतो असंतेथ न दिसंति रत्ति खित्ता यथा सरा। सत्पुरुष हिमालय पर्वत की तरह दूर से प्रकाशित होते हैं, असत्पुरुष रात में फेंके बाण की तरह दिखाई नहीं देते। एकासनं एकसेयं एको चरम तंदितो एको दमय अत्तानं वनंतेरमतोसिया। एक आसन एक शैया वाला आलस्य रहित हो, अकेला विचरने वाला, अपने आप को अकेला दमन करने वाला वन में आनंद से रहता है। निरयवग्गो अभूतवादे निरयं उपेति यो चापि कत्वा न करोमिति चाह उभो पिचे पेच समाभवन्ति निहीन कम्मा मनुजा परथ। असत्यवादी नरक में जाता है, जो करके नहीं किया कहता है वो भी नरक में जाता है, दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मरकर बराबर हो जाते हैं। कासाव कंठा बहवो पाप धम्मा असंयता पापा पापे ही कम्मे ही निरयन्ते उपपज्जरे। कंठ में काषाय वस्त्र डाले कितने ही असंयमी पापी हैं, वो पापी अपने पाप कर्मों के कारण नरक में उत्पन्न होते हैं। सेयो अयो गुणो भुत्तो तत्तो अग्नि सिखूपमो यंचे भुंजे दुस्सीलो रट्ठपिंडं असंयतो। दुराचारी हो, असंयमी हो, देश का अन्न खाने से अग्नि शिखा के समान तप्त तो लोहे का गोला निगलना अच्छा है। चत्तारि ठानानि नरोपमत्तो आपज्जति परदारूप सेवि
अपुञ्य लाभम न निकाम सेय निंदं ततियं निरयं चतुत्थं अपुञ्य लाभो च गति च पापिका भीतस्स भीताय रति च थोकिका राजा च दंडं गरुकं पणेति तस्मान्नरो परदारं न सेवे। प्रमादी परिस्त्रीगामी मनुष्य की चार गतियां होती हैं, अपुण्य लाभ, सुख से निद्रा का ना आना, निंदा और नरक, अथवा अपुण्य लाभ, दुर्गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अत्यल्प रति, राजा का भारी सजा देना, इसलिए मनुष्य परिस्त्री गमन ना करे। कुसो यथा दुग्गहितो हत्थमेवानुकंतति सामं च दुपरामट्ठं निरयाय उपकढ़ति। जिस प्रकार कुश यदि ठीक से धारण ना किया जाए तो हाथ को छेद देता है, उसी प्रकार संन्यास श्रमणत्व यदि ठीक से धारण ना किया जाए तो नरक में ले जाता है। यं किंचि शिथिलं कम्मं संकिलिष्ठ चयं वतं संकसरं ब्रह्मचर्यं नतं होति महफलं। जो कार्य शिथिल है, जो व्रत मलयुक्त है, जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, उसका महान फल नहीं होता। कैराच कैराथेन दर्हमेन परकमे शिथिलो हि परिबाजो भियो आकिरते रजं। यदि किसी काम को करना है तो करे, उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ जुट जाए। ढीला ढाला सन्यासी अधिक धूल उड़ाता है। अकतं दुक्कतं सेयो पच्छातपति दुक्कतं कतं च सुकतं सेयो यं कत्वा नानुतपति। पाप का ना करना अच्छा है, पाप करने वाले को अनुताप होता है। शुभ कर्म करना अच्छा है, शुभ कर्म करने वाले को अनुताप नहीं होता। नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तं संतर बाहिरं एवं गोपेथ अत्तानं खणो वेमा उपच्चगा खणातीता हि सोचन्ति निरयं हि समपिता। जैसे सीमांत देश का नगर अंदर बाहर से सुरक्षित होता है, उसी तरह अपनी भी रक्षा करे, एक भी क्षण जाने न दे। समय हाथ से चले जाने पर नरक में पड़कर शोक करना होता है। अलज्जिताय लज्जन्ति लज्जितायेन लज्जये मिच्छा दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति। अलज्जा के काम में जो लज्जा करते हैं, लज्जा के काम में जो निर्लज्ज होते हैं, ऐसे मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभये च भयदस्सिनो भये च अभयदस्सिनो मिच्छा दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं। अभय के स्थान पर जो भय करते हैं, भय के स्थान पर जो भय रहित रहते हैं, ऐसी मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अवज्जे वज्जमतिनो वज्जे च वज्जदस्सिनो मिच्छा दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं। अदोष को जो दोष की तरह समझते हैं, दोष को जो अदोष की तरह समझते हैं, ऐसी मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वज्जं च वज्जतो यत्वा अवज्जं च अवज्जतो सम्मा दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं। जो दोष को दोष के रूप में देखते हैं, अदोष को अदोष के रूप में देखते हैं, ऐसी सम्यक दृष्टि वाले प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। नागवग्गो। अहं नागो वसंगामि चापतो पतितं सरं अतिवाक्यं तितिक्षिसं दुस्सिलो हि बहुजनो। जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वचनों को सहूंगा, क्योंकि संसार में दुर्जन ही ज्यादा हैं। दंतं नयन्ति समितिं दंतं राजा भिरुहति दंतो सेठो मनुष्येषु
योति वाक्यं तितिक्खति। प्रशिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, प्रशिक्षित हाथी पर राजा सवारी करता है। मनुष्यों में शिक्षित मनुष्य ही श्रेष्ठ है जो कटु वाक्यों को सह सकता है। वरं अस्तरा दंता आजानिया च सिंधवा कुंयरा च महानागा अत्तदंतो ततो वरं। खच्चर, आजानिये सिंधी घोड़े और महानाग हाथी शिक्षित हो तो श्रेष्ठ है, आदमी शिक्षित हो तो इन सबसे श्रेष्ठ है। नहीं एते ही याने ही गच्छेय अगतं दिशं यथा तना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। इन घोड़े गाड़ी आदि वाहनों से कोई निर्वाण को नहीं जा सकता जैसे अभ्यासी स्वयं जा सकता है। शिक्षित मनुष्य संयम इंद्रियों द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। धनपालको नाम कुंजरो कटुकप्प भेदनो दुन्निवारियो बद्धो कवलंग्न भुंजति सुमिरति नागवनस्स कुंजरो। सेना को तितर बितर कर देने वाला धनपालक नाम का दुर्धर्ष हाथी आज बंधन में बंधा होने से कवल नहीं खाता, अपने हाथियों के जंगल की याद करता है। मिद्धि यथा होति महघसो निदायिता संपरिवत्तसाय महावराहो व निवाप पुट्ठो पुनः पुनं गभमुपेति मंदो। जो आलसी बहुत खाने वाला निद्रालु करवट बदल बदल कर सोने वाला दाना खाकर पले मोटे सुअर की भांति होता है वो मंद गति बार बार गर्भ में पड़ता है। इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं एनिच्छकं यत्थ कामं यथा सुखं तदज्जहं निगहेसामि योनिसो हत्थिप भिन्नं व्यअंकुशग्गहो। पहले ये चित्त जहाँ इसकी इच्छा हुई यथा काम यथा सुख विचरण किया किया, लेकिन आज मैं इसे अच्छी तरह से काबू में करूँगा जैसे महावत मस्त हाथी को काबू में करता है। अपमादरता होथ सचित्त मनुरखत दुग्गा उद्धरथत्तानं पंके सत्तो व कुंजरो। जागरूक रहो, अपने मन को संभाल कर रखो, पंख में फंसे हाथी की तरह अपने आप को राग आदि के गढ़े से निकालो। सचे लभेत निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं अभिभूय सब्बानि परिसयानि चरेयतेन तमनो सतिमा। यदि परिपक्व बुद्धि सच्चरित्र साथी मिले तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्न चित्त हो उसके साथ विहार करो। नोचे लभेत निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं राजा व रठं विजितं पहाय एको चरे मातंग रंजेव नागो। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि सच्चरित्र साथी ना मिले तो जैसे पराजित राष्ट्र को छोड़कर राजा या जंगल में हाथी अकेले विचरता है उसी तरह अकेला विचरण करो। एकस्य चरितं सेयो नत्ति बाले सहायता एको चरे न च पापानि कैरा अप्पो सुक्को मातंग रयेव नागो। अकेले विचरणा अच्छा है, मूर्ख की मित्रता अच्छी नहीं। अनासक्त मातंग राज हाथी की भांति अकेला विचरण करे, पाप ना करे। अथम्मि जातम्मि सुखा सहाया तुट्ठी सुखाया इतरितरेन पुय्यं सुखं जीवित संखयम्मि सब्बस्स दुःखस्स सुखं पहाणं। काम पड़ने पर मित्र सुखकर है, जिस तिस चीज से संतुष्ट रहना सुखकर है, जीवन के क्षय होने के समय पुण्य सुखकर है, लेकिन सबसे बढ़कर सुखकर है सारे दुखों का नाश। सुखा मत्ते यता लोके
अथो पेते यता सुखा सुखा सामयता लोके अथो ब्रह्मयता सुखा। संसार में माँ की सेवा सुखकर है, सुखकर है पिता की सेवा। संसार में श्रमणत्व सुखकर है और सुखकर है निष्पाप होना। सुखं यावदराशीलं सुखा सद्धा पतिठिता सुखो पय्याय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं। वृद्धावस्था तक सदाचारी रहना सुखकर है, स्थिर श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है और सुखकर है पापों का ना करना। तन्हावग्गो मनुजस्स पमत्तचारिणो तन्हा वढ्ढति मालुआविय सो प्लवति हुराहुरं फलमिच्छं वनस्मिं वानरो। प्रमादी मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की भांति बढ़ती है, फल की इच्छा करता हुआ वो वन में बानर की तरह दिनों दिन भटकता है। यं एसा सहती जम्मी तन्हा लोके विसत्तिका सोका तस्स पवढ्ढन्ति अभिवढ्ढं वीरणं। जिसे ये बराबर जन्मते रहने वाली विष रूपी तृष्णा पकड़ती है, वर्धनशील वीरण की भांति उसके शोक बढ़ते हैं। यो चेतं सहती जम्मी तन्हं लोके दुरच्चयं सोका तम्हा पपत्तंती उदविन्तु वपोखरा। जो इस बराबर जन्मते रहने वाली दुर्जय तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक वैसे ही गिर जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी की बूंदे गिर जाती हैं। तंग वो वदामि भद्दं वो यावन्तेथ समागता तन्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो वीरणं। इसलिए जितने यहाँ आए हों तुम्हें कहता हूँ, तुम्हारा मंगल हो। जिस प्रकार खस का चाहने वाला वीरण घास को उखाड़ता है, उसी प्रकार तुम तृष्णा को जड़ से खोद दो। यथापि मूले अनुपद्दवेदले चिन्नोपि रुखो पुनरेव रुहति एवं पितन्नान सये अनुहते निपत्तति दुःखमिदं पुनः पुनः। जिस प्रकार जब तक जड़ पूरी तरह उखड़ नहीं जाती, तब तक कटा हुआ वृक्ष भी बार बार उग आता है, उसी प्रकार जब तक तृष्णा रूपी अनुशय पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक बार बार दुख पैदा होता रहता है। यस्स छत्तिं सती सोता मना पस्स वना भुसा बाहा वहन्ति दुद्दिट्ठिं स संकप्पा राग निश्चिता। जिस आदमी के छत्ति स्रोत मन को अच्छी लगने वाली चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हों, उन मिथ्या धारणा वाले आदमी को उसके रागाश्रित संकल्प बहा कर ले जाते हैं। सवंति सबधि सोता लता उभिच्छ तिठति तं च दिस्वा लतं जातं मूलं पय्याय छिन्धत। स्रोत चारों ओर बहते हैं, लता अंकुरित रहती है। उस तृष्णा रूपी लता को उत्पन्न हुआ देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काट डालो। सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो ते सोतसिता सुखेसिनो देवे जाति जरूप गानरा। स्नेह रूपी नदियाँ प्राणियों के चित्त को अच्छी लगती हैं। इन नदियों के बंधन में बंधे नर भोगों को खोजते हैं और जन्म तथा जरा के फेर में जा पड़ते हैं। तसिनाय पुरखता पजा परिसप्पन्ति ससो बाधितो संयोजन संख सत्तका दुख मुपेन्ति पुनः पुनं चिराय। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। संयोजनों में फंसे नर चिर काल तक बार बार दुख पाते हैं। तसिनाय पुरखता पजा परिसप्पन्ति ससो बाधितो तस्मात् तसिणं विनोदये भिक्खु आकंखो विरागमत्तनो। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं।
इसलिए अनासक्त होने की इच्छा रखने वाला भिक्खु तृष्णा को दूर करे। यो निब्बनथो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तं पुग्गलमेव पस्तथमुत्तो बंधनमेव धावति। जो निर्वाणार्थी तृष्णा से मुक्त हो, अच्छी प्रकार मुक्त हो, फिर तृष्णा की ही ओर दौड़ता है, उस आदमी को ऐसा जानो जैसे कोई बंधन से मुक्त होकर फिर बंधन की ओर भागता है। नतं दढ़ं बंधन माहुधीरा यदायसं दारुजग बब्बजयं सारत्तरत्ता मणिकुंडलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेखा। ये जो लोहे लकड़ी या रस्सी के बंधन हैं, इन्हें धीर जन बंधन नहीं कहते। असली बंधन तो है धन में अनुरक्ति, पुत्र तथा स्त्री में अनुरक्ति। एतं दळं बंधन माहुधीरा ओहारिनं शिथिलं दुप्पमुच्चं एतं छेत्वान परिभजन्ति अनपेक्षिनो काम सुखं पहाय। इन्हीं बंधनों को धीरजन पतनोन्मुख, शिथिल और दुस्थ्याज्य बंधन कहते हैं। इन्हें विच्छेद अपेक्षा रहित हो काम सुख छोड़कर प्रवजित होते हैं। ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सयंकतं मक्कटकोवजालं एतं पिच्छेत्वान वजन्ति धीरा अनपेक्षिनो सब दुःखं पहाय। जो राग में रक्त है वो मकड़ी के अपने बनाए जाले की तरह प्रवाह में फंस जाते हैं। धीर जन इसे भी छेद कर अपेक्षा रहित हो सब दुखों को छोड़ प्रवजित होते हैं। मुंच पुरं मुंच पच्छतो मज्जे मुंच भवस्म पारगु सबत्थ विमुत्त मानसो न पुन जाति जरं उपेहिसि। पूर्व वर्तमान तथा भविष्य के बंधन को छोड़कर संसार सागर के पार हो जा। सब ओर से मन को मुक्त कर लेने वाला जन्म जरा को प्राप्त नहीं होता। वितक्क पमथितस्स जंतुनो तिब्बरागस्त सुभानुपस्सिनो भियो तन्ना पवड्ढति एसको दळं करोति बंधनं। जिसके मन में बहुत संकल्प विकल्प उठते हैं, जिसके मन में तीव्र राग है, जो शुभ ही शुभ देखता है, उसकी तृष्णा बढ़ती है, वो अपने बंधन को और भी दृढ़ करता है। वितक कूप समेचयो रतो अशुभं भावयति सदारतो एसखो वेंति काहिनी एस छेज्यति मार बंधनं। जो संकल्प विकल्प को शांत करने में लगा है, जो जागरूक रहकर सदा अशुभ को देखता है, वो मार के बंधन को काटेगा, वही उसे नष्ट करेगा। निठंगतो असंतासि विततन्नो अनंगणो उच्छिज्य भवसल्लानि अंतिमोयं समुस्सयो। जिसका कार्य समाप्त हो गया, जो त्रास रहित है, जो तृष्णा रहित है, जो मल रहित है, वही संसार रूपी शल्य को काटेगा, ये उसका अंतिम जन्म है। वीततन्नो अनादानो निरुत्ति पदको विदो अक्खरानं सन्निपातं जय्या पुब्ब परानिच सवे अंतिम शरीरो महापयोति उच्चति। जो तृष्णा रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो भाषा और काव्य को जानता है, जो व्याकरण को जानता है, वो निश्चय से अंतिम शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ है। सब्बाभिभू सब्ब विदुहमस्मिं सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बंजयो तन्नखे विमुत्तो स्वयं अभियायकमुद्दिशेयं। मैंने सबको परास्त किया है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब धम्मों के अस्तित्व से अलिप्त हूँ, मैं सर्वस्व त्यागी हूँ, मैंने तृष्णा का क्षय किया है, मैं विमुक्त हूँ। स्वयं ज्ञान प्राप्त करके मैं किसे अपना गुरु बताऊँ। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति सब्बं रसं धम्म रसो जिनाति सब्बं रतिं धम्म रति जिनाति तन्नखयो सब्ब दुःखं जिनाति। धम्म का दान
सब दानों से बढ़कर है। धम्म का रस सब रसों से बढ़कर है। धम्म रति सब रतियों से बढ़कर है। तृष्णा का क्षय सब दुख क्षयों से बढ़कर है। हनन्ति भोगा दुम्मेधं नोचे पारगवेशिनो भोग तन्नाय दुम्मेधो हन्ति अयेव अत्तनं। भोग दुर्बुद्धि पुरुष को नष्ट कर डालते हैं यदि वो पार जाने की कोशिश नहीं करता। भोग की तृष्णा में पड़कर दुर्बुद्धि पराये की भांति अपने को मार डालता है। तीन दोषानि खेतानि राग दोषा अयं पजा तस्माहि वीतरागेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है राग, इसलिए वीतराग मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तीन दोषानि खेतानि दोष दोषा अयं पजा तस्माहि वीत दोषेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है द्वेष, इसलिए द्वेष रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तीन दोषानि खेतानि मोह दोषा अयं पजा तस्माहि वीत मोहेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है मोह, इसलिए मूर्ता रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तीन दोषानि खेतानि इच्छा दोषा अयं पजा तस्माहि विगतिच्छेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है इच्छा करना, इसलिए इच्छा रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। भिक्खुवग्गो चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो घाणेन संवरो साधु साधु जुहाय संवरो। आँख का संयम करना अच्छा है, कान का संयम करना अच्छा है, नाक का संयम अच्छा है, जिह्वा का संयम अच्छा है। कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सबत्थ संवरो सबत्थ संवुतो भिक्खु सब दुखापमुच्यति। शरीर का संयम करना अच्छा है, वाणी का संयम करना अच्छा है, मन का संयम करना अच्छा है, सब इंद्रियों को संयम करने वाला भिक्खु सब दुखों से मुक्त होता है। हत्थ संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संयतुत्तमो अच्छत्थरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्खु। जो हाथ पांव और वाणी से संयत है, जो उत्तम संयमी है, जो अपने में रत है, जो समाधि युक्त है, जो अकेला रहता है, जो संतुष्ट है, उसे भिक्खु कहते हैं। यो मुख संयतो भिक्खु मंत भाणी अनुद्धतो अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्स भासितं। जो वाणी का संयमी है, जो मनन करके बोलता है, जो उद्धत नहीं होता, जो अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं धम्मं अनुसरं भिक्खु सद्धम्मान परिहायति। धम्म में रमण करने वाला, धम्म में रत रहने वाला, धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का अनुसरण करने वाला भिक्खु सच्चे धम्म से च्युत नहीं होता। सलाभं नाति मयेय नायेस पिहयं चरे अये संग पिहयं भिक्खु समाधिं नाधि गच्छति। अपने लाभ की अवहेलना ना करे और न दूसरों के लाभ की स्प्रहा। दूसरे के लाभ की स्प्रहा करने वाला भिक्खु चित्त की एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता। अपलाभो पिचे भिक्खु सलाभं नातिमयति त
तंग वे देवा पसंसन्ति शुद्धा जीविंग अतंदितं। चाहे लाभ थोड़ा ही हो, यदि भिक्खु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता तो उस शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित भिक्खु की देवता भी प्रशंसा करते हैं। सब्बसो नाम रूपस्मिं यस्स नत्ति ममायितं असताचन सोचति सवे भिक्खुति उच्चति। सारे नाम रूप जगत में जिसका कुछ भी ममत्व नहीं है, जो किसी वस्तु के न रहने पर शोक नहीं करता, वही भिक्खु कहलाता है। मेत्ता विहारियो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखा रूप समं सुखं। मैत्री भावना से विहार करता हुआ जो भिक्खु बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, वो सभी संस्कारों के समन सुख स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। सिंच भिक्खु इमं नावं सित्ताते लहुमेष्यति छेत्वा रागं च दोषं च ततो निबाणमेहिसि। भिक्खु इस नाव को उलीचो, उलीचने से ये नाव तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी, राग और द्वेष को छेद कर तुम निर्वाण को प्राप्त करोगे। पंच छिंदे पंच जहे पंचुत्तरी भावये पंच संगातिगो भिक्खु ओघ तिन्नोति उच्चति। जो पांच को छेदे, पांच को छोड़े, पांच की भावना करे और पांच के संसर्ग को लांग जाए, वो भिक्खु बाण से उत्तीर्ण कहा जाता है। झाय भिक्खु मा च पमादो माते काम गुणे भमस्सु चित्तं मा लोह गुलं गिली पमत्तो मा कंदे दुख मिदंति डह्यमानो। भिक्खु ध्यान करो, प्रमाद मत करो, देखो तेरा चित्त भोगों के चक्कर में ना फंसे, प्रमत्त होकर लोहे के गोले को ना निगलो, ये दुख है, जलते हुए चिल्लाकर तुझे रोना ना पड़े। नत्थि झानं अपयस पय्या नत्थि अजायतो यम्हि झायं च पय्या च सवे निबाण संतिके। जिसको प्रज्ञा नहीं उसका चित्त एकाग्र नहीं होता, जिसका चित्त एकाग्र नहीं वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता, जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों है वही निर्वाण के निकट है। सुयागारं पविठस्य संतचित्तस्य भिक्खुनो अमानुषो रति होति सम्मा धम्मं विपस्सतो। एकांत गृह में रहने वाले शांतचित्त सम्यक धम्म को जानने वाले भिक्खु को लोकोत्तर आनंद मिलता है। यतो यतो सम्मसति खंदानं उदयभयं लभति पीति पामोज्जं अमतं तं विजानतं। मनुष्य जैसे जैसे स्कंधों की उत्पत्ति और विनाश को देखता है, वैसे वैसे वो ज्ञानियों की प्रीति और प्रसन्नता रूपी अमृत पथ को प्राप्त करता है। तत्रायमादि भवति इद पय्यास भिक्खुनो इंद्रिय गुत्ति संतुष्टि पाति मोक्षे च संवरो मित्ते भजस्सु कल्याणे शुद्धा जीवे अतंदिते। बुद्धिमान भिक्खु को पहले ये करना होता है, इंद्रिय संयम संतोष और प्राति मोक्ष नियमों का पालन। उसे चाहिए कि वो शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित कल्याण मित्रों की संगति करे। पटिसंथार उत्तस आचार कुशलोसिया ततो पामोज्ज बहुलो दुख संतं करिष्यसि। सेवा सत्कार करने वाला होवे, आचारवान होवे, उससे आनंदित होकर दुख का अंत करने वाला बनेगा। वस्तिकाव्य पुष्पानि मद्दवानि पमुच्यति एवं रागं च दोषं च विपमुच्येत भिक्खवो। जैसे जूही अपने कुम्हलाए फूलों को गिरा देती है, उसी प्रकार भिक्खुओं तुम राग और द्वेष को गिरा दो। संतकायो संतवाचो संतवा सुसमाहितो
वंतलोकामिसो भिक्खु उपसंतोति उच्चति। जिसका शरीर शांत है, जिसकी वाणी शांत है, जिसका मन शांत है, जो समाधि युक्त है, जिसने लौकिक भोगों को छोड़ दिया है, वो भिक्खु उपशांत कहा जाता है। अत्तना चोदयत्तानं पटिमासे अत्तमत्तना सु अत्त गुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विहाहिसी। जो स्वयं अपने आप को प्रेरित करेगा, जो स्वयं अपनी परीक्षा करेगा, वो आत्मसंयमी स्मृतिमान भिक्खु सुखपूर्वक रहेगा। अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति तस्मा संयमयत्तान असं भद्रव वाणिजो। मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपनी गति आप है, इसलिए अपने आप को उसी तरह संयम में रखे जैसे व्यापारी अच्छे घोड़ों को संयम में रखता है। पामुज्ज बहुलो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखं। जो भिक्खु बुद्ध शासन में खूब प्रसन्नचित्त है, जो बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, वो सभी संस्कारों के शमन सुख स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। यो हवे दहरो भिक्खु युञ्जते बुद्ध शासने सो इमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचन्दिमा। जो भिक्खु तरुणाई में बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। ब्राह्मणवग्गो। छिन्दसोतं परक्कम कामे पनुद ब्राह्मण संकारानं खयं यत्वा अकतयुसी ब्राह्मणं। हे ब्राह्मण, तृष्णा स्रोत को छिन्न कर दे, पराक्रम कर कामनाओं को भगा दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षय को जानकर तू निर्वाण का जानकार हो जा। यदा द्वयेषु धम्मेषु पारगो होति ब्राह्मणो अथ स सब्बे संयोगा अथं गच्छन्ति जानतो। जब ब्राह्मण चित्त संयम और भावना इन दो बातों में पारंगत हो जाता है, तब उस ज्ञानी के सभी बंधन कट जाते हैं। यस्य पारं अपारं वपारापारं न विद्यते वितद्दरं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसका पार अपार और पारापार नहीं है, जो निर्भय और अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। झाइं विरजमासिनं कतकिच्चं अनासवं उत्तमत्थं अनुपतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो ध्यानी है, जो निर्मल है, जो एकांत सेवी है, कृतकृत्य है, जो आश्रव रहित है, जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। दिवातपति आदिचो रतिं आभाति चंदिमा सन्नद्धो खत्यो तपति छाई तपति ब्राह्मणो अथ सब महोरतिं बुद्धो तपति तेजसा। दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा आलोकित होता है, कवच बद्ध होने पर क्षत्रिय चमकता है, ध्यानी होने पर ब्राह्मण चमकता है, लेकिन बुद्ध अपने तेज से सदैव दिन रात चमकते हैं। बाहित पापोति ब्राह्मणो समचर्या समणोति उच्चति पब्बा जय मत्तनो मलं तस्मा पब्बजितोति उच्चति। जिसने पापों को बहा दिया है वो ब्राह्मण है, जिसकी चर्या ठीक है वो श्रमण है, जिसने अपने चित्त के मलों को हटा दिया है वो प्रवजित कहलाता है। न ब्राह्मणस्य पहरेय नास्य मुञ्जेत ब्राह्मणो धि ब्राह्मणस्य हन्तारं ततो धि यस्य मुच्यति। ब्राह्मण पर प्रहार करे, ब्राह्मण को चाहिए कि प्रहार कर्ता पर कोप ना करे। ब्राह्मण पर प्रहार करने वाले को धिक्कार है, लेकिन उससे अधिक धिक्कार है उस ब्राह्मण को जो प्रहार कर्ता पर कोप करे। न ब्राह्मणस्येतद् किंचि सेयो यदा निषेधो मनसोऽपि एहि
यतो यतो हिंसमनो निवत्तति ततो ततो सम्मतिमेव दुःखं। ब्राह्मण के लिए ये बात कम कल्याणकारी नहीं जो वो प्रिय वस्तुओं से मन को हटा लेता है। जहाँ जहाँ मन हिंसा से विमुख होता है वहाँ दुख शांत होता जाता है। यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुःखतं संतं तिहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके शरीर वाणी तथा मन से कोई पाप नहीं होता, जो इन तीनों स्थानों में संयत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यम्मा धम्मं विजानेय सम्मा संबुद्ध देशितं सक्कच्चं तं नमस्येय अग्निहुतं व ब्राह्मणो। जिस उपदेशक से बुद्धोपदिष्ट धम्म जाने उसे वैसे ही नमस्कार करे जैसे ब्राह्मण अग्निहोत्र को। न जटा हि न गोते हि न जच्चा होति ब्राह्मणो यम्मी सच्चं च धम्मो च सो सुचि सो च ब्राह्मणो। न जटा से न गोत्र से न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य है और धम्म है वही व्यक्ति पवित्र है और वही ब्राह्मण है। किं ते जटा हि दुम्मेध किं ते अजिन साटिया अभ्यंतरं ते गहनं बाहिरं परिमज्जसि। हे दुर्बुद्धि, जटाओं से तुझे क्या लाभ और मृग चर्म के पहनने से क्या? अंदर से तू मैला है, बाहर से धोता है। पन सुकूल धरं जंतुं किसं धमनि संततं एकं वनस्मिं झायंतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो फटे पुराने वस्त्रों को धारण करता है, जो दुबला पतला है, जिसकी नसें दिखाई देती हैं, जो वन में अकेला ध्यान करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्ति संभवं भोवादि नामसो होति सचे होति सकिंचनो अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। मैं ब्राह्मणी माता से पैदा होने के कारण किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। यदि वो संपन्न होता है तो उसे भोवादि संबोधन से संबोधित किया जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं लेता उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। सब संयोजनं छेत्वा योवेन परितस्सति संगतिगं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो सब बंधनों को काटता है, जो निर्भय है, जो संग और आसक्ति से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। छेत्वा नंदिं वरत्तं च संदामं सहनुक्कमं उक्खित्त पलिघं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। नद्धि, रस्सी, पगहे और मुंह पर बांधने के जाले को काट, जुए को फेंक, जो बुद्ध हुआ उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अकोसं बदबंधं च अदुठो यो तितिक्खति खन्ति बलं बलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। गाली, वध और बंधन को जो बिना चित्त को दूषित किए सहन करता है, क्षमा बल ही जिसकी सेना का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अक्कोधनं वतवंतं सीलवंतं अनुसुतं दंतं अंतिम सारिरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो अक्रोधी है, जो व्रती है, जो सदाचारी है, जो तृष्णा रहित है, जो संयमी है, जो अंतिम शरीरधारी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वारी पोखर पत्तेव आरग्येरिव सासपो यो न लिंपति कामेशु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद और आरे की नोक पर सरसों के दाने की भांति जो काम भोगों में अलिप्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यो दुःखस्स पजानाति इदेव खयमत्तनो पन्न भारं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो इसी जन्म में अपने दुख के क्षय को जानता है, जिसने अपना भार उतार दिया है, जो आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।
गंभीर पय्यं मेधावी मग्गा मग्गस्स कोविदं उत्तमत्थं अनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, जो मेधावी है, जो मार्ग अमार्ग को पहचानता है, जिसने उत्तम अर्थ को प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। असंसठं गहठे ही अनागारे ही चूभयं अनोकसारिं अपिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो गृहस्थ और प्रवजित दोनों से अलिप्त रहता है, जो इच्छा रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। निधाय दंडं भूतेषु तसेषु थावरेषु च यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो चर अचर सभी प्राणियों की हिंसा से विरत हो, न किसी को मारता है, न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अविरुद्धं विरुद्धेषु अत्तदंडेषु निबुतं सादानेषु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो विरोधियों में अविरोधी, जो दंडधारियों में दंड त्यागी, जो संग्रह करने वालों में असंग्रही हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्स रागो च दोषो च मानो मक्खो च पातितो सास पोरीव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसके चित्त के राग द्वेष मान और डाह ऐसे ही गिर पड़े हैं जैसे आरे के ऊपर से सरसों के दाने, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अकक्क संग वियापनिं गिरं सच्चं उदीरये याय नाभि सजे किंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो अकंकश विषय को स्पष्ट करने वाली तथा सच्ची वाणी बोलता है, जिससे किसी को पीड़ा नहीं पहुंचती, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध दीघं वरसं वा अणुथोलं शुभाशुभं लोके अदिन्नं नादियते तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। चाहे लंबी हो या छोटी, चाहे मोटी हो या पतली, चाहे अच्छी हो या बुरी, जो संसार में किसी भी चीज की चोरी नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आसायस्तन विज्जन्ति अस्मिं लोके परमिच निराशयं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। इस लोक और परलोक में जिसकी इच्छा नहीं है, जो इच्छा रहित है, जो आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्सालयान विज्जन्ति अय्याय अकथं कथि अमतो गधं अनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो आसक्ति रहित है, जो जानकार होने से संशय रहित है, जिसने गाढ़े अमृत को पा लिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध पुञ्यं च पापं च उभो संगं उपच्चगा अशोकं विरजं शुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो इस संसार में पुण्य और पाप दोनों से परे है, जो शोक रहित है, जो निर्मल है, जो शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चंदं विमलं शुद्धं विप्रसन्न मनाविलं नंदी भव परिक्षीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो चंद्रमा की भांति विमल शुद्ध और स्वच्छ है, जिसकी भव तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यो इमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्छगा तिन्नो पारगतो झाई अनेजो अकथं कथि अनुपादाय निबुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसने इस दुर्गम संसार जन्म मरण के चक्र में डालने वाले मोह स्वरूप उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो तीर्ण हो गया, जो पार कर गया, जो ध्यानी है, जो स्थिर है, जो संशय रहित है, जिसने उपादान रहित को प्राप्त कर लिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध कामे पहत्वानं अनागारो परिबजे काम भव परिक्षीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।
जो काम भोगों को छोड़कर बेघर हो प्रवजित हो गया है, जिसका काम भव नष्ट हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। योध तन्नं पहत्वान अनागारो परिबजे तन्ना भव परिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो तृष्णा को छोड़ बेघर हो प्रवजित हो गया, जिसका तृष्णा भव नष्ट हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। हित्वा मानुसकं योगं दिव्यं योगं उपच्चगा सब योग विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसने मानुषी भोगों को त्याग दिया है, दिव्य भोगों को भी त्याग दिया है, जो सभी भोगों के प्रति अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। हित्वा रतिं च अरतिं च सीति भूतं निरुपधिं सब लोकाभिभुं वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसने रति और अरति को छोड़ दिया, जो शांत हो गया, जो क्लेश रहित है, जिस वीर ने सारे लोक को जीत लिया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। च्युतिं यो वेदी सत्तानं उपपतिं च सब्बसो असत्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो प्राणियों की मृत्यु तथा उत्पत्ति को भले प्रकार जानता है, जो आसक्ति रहित सुगति प्राप्त बुद्ध हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्स गतिं न जानन्ति देवा गंधर्व मानुषा खीणा सवं अरहंतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसकी गति को न देवता जानते हैं, न गंधर्व और मनुष्य, जो क्षीणाश्रव है, जो अरहत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यस्स पूरे च पच्छा च मज्झे च नत्थि किंचनं अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जिसकी अतीत, वर्तमान या भविष्य में कहीं कुछ आसक्ति नहीं है, जो अकिंचन है, आदान रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। उसभं पवरं वीरं महेशि विजिताविनं अनेज नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो श्रेष्ठ हैं, जो प्रवर हैं, जो वीर हैं, जो महर्षि हैं, जो विजेता हैं, जो स्थिर हैं, जो स्नातक हैं, जो बुद्ध हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। पुब्बे निवासं यो वेदी सग्गा पायं तपस्सति अथो जाति खयं पत्तो अभिया ओसितो मुनि सब ओसित ओसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो विगत जन्मों को जानता है, जो स्वर्ग और नरक को देखता है, जिसका पुनर्भव क्षीण हो गया है, जो अभिज्ञावान है, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।